हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हर हर महादेव किचन में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बहुत ही स्वादिष्ट चिकन कढ़ी बनाएंगे। चिकन कढ़ी बनाने की सारी सामग्री हमने रेडी करके रख ली है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने आधा केजी प्याज लिया, जिसे अच्छे से छील कर साफ करके कट कर लिया है। और ये हमने साबुत गर्म मसाला लिया है। और ये हमारा हरा मिर्च, कुछ लहसुन की कलियाँ, अदरक है, इनका हम पेस्ट बना लेंगे। और तड़का देने के लिए हमने तेज़पत्ता, 1-2 सूखी लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा और 1 बड़ी इलायची लिया है। और हमने ये चिकन मसाला लिया है, जो कि चिकन को बहुत ही स्वादिष्ट बनाता है। और ये हमारा 1 kg चिकन है। हम इन्हीं सब चीज़ों से अपना चिकन कढ़ी बनाएंगे। चलिए चलते हैं चिकन कढ़ी बनाने। हमने गैस पर कढ़ाई पहले से चढ़ा दिया है, कढ़ाई गर्म हो चुका है और हम अपना इसमें ऑयल ऐड करेंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें तड़का देंगे। तड़का में सबसे पहले हम तेज़पत्ता डालेंगे, 1 दालचीनी डालेंगे, 1 बड़ी इलायची डालेंगे, 2 सूखा लाल मिर्च डालेंगे। हम अपने तड़के को अच्छे से भून लेंगे। हमारा तड़का भून चुका है, अब हम इसमें अपना कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। हम अपने प्याज को हल्का ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। हमारा प्याज बहुत ही अच्छे से ब्राउन हो चुका है, अब हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। सारा चिकन को ऐड कर देंगे इसमें। हम अपने चिकन को कम से कम 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से भून चुका है। हमने इसे मीडियम फ्लेम पे ही भुना था, क्योंकि हाई फ्लेम पर अगर भुनेंगे तो हमारा चिकन जल जाएगा, इसलिए हमने इसे मीडियम फ्लेम पे ही भुना है। अब हम इसमें अपना मसाला ऐड करेंगे। मसाला ऐड करने के लिए सबसे पहले हम अपने मसाले का जो पेस्ट बनाया था, गरम मसाला का पेस्ट बनाया था, वो मसाला इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा चिकन मसाला डालेंगे, थोड़ा सा राजेश मसाला डालेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राजेश मसाला हमारी रेसिपी का बहुत ही अच्छा स्वाद बढ़ाता है। 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1 चम्मच नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार ऐड करिएगा, जैसा आपको खाना पसंद हो नमक, आप उसी अनुसार नमक डालिएगा। हम इसे अच्छे से चला लेंगे, अपने मसालों को चिकन में अच्छे से चला लेंगे। हम अपने मसालों को 5 से 7 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से पक चुका है, मसाला ऑयल छोड़ रहा है। हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। हम अपने चिकन को 3 से 5 मिनट तक ढककर पका लेंगे अच्छे से। हमारा चिकन करी बनकर रेडी हो गया है। दोस्तों, हमारा चिकन करी बनकर रेडी हो गया, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही यम्मी है। अगर आपको हमारा चिकन कढ़ी की रेसिपी पसंद आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।